हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। यहाँ पे जो मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है वो है 1.5 मीटर, और नेट का फैब्रिक मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फुल फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस, आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 13 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 8 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से ही हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और यहाँ पे हम राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है, हमें इसे कट कर लेना है। ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, तो इस तरह के हमारे पास दो पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो ये है हमारा टॉप का पार्ट। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने दो रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 16 इंचेस, और चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे 43 इंचेस। तो इस तरह के दो पीस है हमारे पास बॉटम के लिए। अब देखिए, नेट के फैब्रिक को हमने फुल फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हमें 3 इंचेस पे एक मार्क करना है, और इस तरफ से भी हमें 2.5 इंचेस पे एक मार्क करना है, और दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है, तो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस, यहाँ पे भी हमें 11 पे एक मार्क करना है। ये होगी हमारी कैप की लेंथ, और इस तरफ से भी हमें 11 इंचेस पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे एक और राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ही हमने मार्क कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है। इस तरह का हमारे पास सर्कल है, इस तरह से आएगी हमारी कैप। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है, यानी कि बैक का पार्ट हम उल्टा रख के यहाँ पे शोल्डर फिटिंग कर लेंगे दोनों तरफ सिलाई लगा के। ये देखिए, हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम आर्म होल को तैयार करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो जहाँ पे हमने सिलाई की थी वहाँ पे हमें इस तरह के कट लगाने हैं। कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद ये जो हमारी स्ट्रिप है उसे हमें बैक साइड पर इस तरह से टर्न करना है, और बैक साइड पर आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों आर्म होल को तैयार करना है। तो ये देखिए, हमारा आर्म होल बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये जो हमारी चौड़ाई है उसमें हमें गैदरिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स में ऊपर की तरफ हम लूज स्टिच लगाएंगे।
ये देखिए हमने यहाँ पे लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को हमें सेपरेट करना है और इसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से हम पूरी लेंथ में गैदरिंग तैयार करेंगे। इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स में तैयार करनी है और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने गैदरिंग बना ली है। अब ये दोनों पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट को हम यहाँ पे उल्टा रख के दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करना है। तो इस पार्ट को हम रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और इसके ऊपर हमें जो हमने कैप कट की थी उसे भी हमें रॉन्ग साइड पे रखना है, यानी दोनों रॉन्ग साइड को हमें मिलाना है। और ये जो हमारी नेक लाइन है उसे हम अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से। हमें दोनों शेप को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे ये जो पूरा सर्कल है उसमें हम सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब इस पार्ट को हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस कैप को हमें यहाँ से राइट साइड पे हमने इस तरह से टर्न कर लिया है और ऊपर हमने कवर सिलाई लगा दी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। इसके बाद हमें कैप को अंदर कर लेना है और ये जो हमारे दोनों आर्म होल है उसे अच्छे से मिलाना है। यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ हमें सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी फिटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से फिटिंग करके हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारी बॉर्डर है कैप की बॉर्डर उसे तैयार करना है। तो इस तरह की मैंने स्ट्रिप कट कर ली है प्लेन फैब्रिक से। तो ये जो हमारी बॉर्डर है उसके हमें बैक साइड पे स्ट्रिप को लगाना है और दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और सिलाई कर लेना है। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम राइट साइड पे टर्न करेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें स्ट्रिप को इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लेना है और ये जो हमारी बॉर्डर है उसे फोल्ड करके हम पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। तो हमारी इस तरह से बॉर्डर तैयार हो जाएगी पूरी लेंथ में। तो देखिए यहाँ पर हमने बॉर्डर को तैयार कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।